नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं गौरव के पांडे। एक एसआई वो भी था जिसने दूसरी एक महिला को बचाने के लिए, एक बूढ़ी लाचार मां जो डूब रही थी उसको बचाने के लिए नहर में छलांग लगा दी। एक एएसआई ये भी है जिसने एक आरोपी को थाने में जमकर धूंध दिया। एक एएसआई वो भी है जिसने दूसरे के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, अपनी वर्दी की शान बढ़ा दी। एक एएसआई ये भी है जिसने अपने वर्दी को खुद ही दागदार कर दिया। एक एएसआई वो है जिसने अपनी वर्दी के साथ साथ अपने घर वालों का मान बढ़ाया। एक एएसआई ये है जिसने न सिर्फ अपनी वर्दी को दागदार किया बल्कि पूरे के पूरे पुलिस महकमे पर सवालिया निशान खड़ा करवा दिया। एक एएसआई वो है जिसने दूसरे की मां को बचाने के लिए अपने फर्ज को भी ऊपर चढ़ाया, अपने फर्ज के साथ अपने ईमान, अपने इंसानियत को दर्शाया। और एक एएसआई ये है जिसने इंसानियत को ताक पर रख दिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक आरोपी है, धोखाधड़ी का आरोप है और इन पे आरोप लगा है। लेकिन कानून की कौन सी किताब में, कौन सी धारा में यह लिखा है कि पुलिस इस तरह के किसी मामले में इस तरह की पिटाई किसी आरोपी की करने के लिए हकदार है? यह जानने समझने की बात है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे विशेष में और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है। चलिए आपको पहले हम वो रिपोर्ट दिखा देते हैं जिसमें हम आपको थोड़े डिटेल्स बताएंगे, थोड़े और विजुअल्स दिखाएंगे, कुछ लोगों की बातें सुनाएंगे, फिर चर्चा शुरू करते हैं। पंचकुला में इंसाफ के रखवाले नाइंसाफी के आरोपों में घिर चुके हैं। सेक्टर 20 थाने की एसआई पर पुलिस कस्टडी में आरोपी के साथ मारपिटाई करने के आरोप लगे हैं। आरोप है कि एसआई आनंद कुमार ने धोखाधड़ी के केस में आरोपी शशिकांत की बेरहमी से पिटाई कर डाली। परिजनों के विरोध के बावजूद एसआई नहीं रुके और पिटाई का सिलसिला जारी रहा। आरोप है कि एसआई आनंद कुमार ने आरोपी शशिकांत के कपड़े उतारकर बेरहमी से पिटाई की। परिजनों ने शशिकांत के साथ मारपिटाई के खिलाफ थाने में रोष प्रदर्शन किया। परिजनों ने डीसीपी को मामले की शिकायत दी। आरोप है कि शिकायत के दौरान एएसआई आरोपी को किसी गुप्त स्थान पर ले गया था। एसीपी के फोन के बाद आरोपी को थाने में वापस लाया गया। परिजनों ने एएसआई के तबादले की मांग भी की है। माँ कपड़े देने आई थी मेरे भाई के यहाँ पे, वो यहाँ पे बस बहुत गुंडे तरह मार रखे था जी, यहाँ घेर रखा था जी। शशिकांत नाम है जी मेरे भाई का। तो पुलिस क्यों लेके आई थी उसको? पुलिस वो तो थोड़ा लेन देन था किसी का, उसके हिसाब से लेके आई थी। तो जब दिन में आए तो आपने चोरी निकल रखी है, किसी का खून निकल रखा है, मरण का जवाब आए दिन जी थी। कौन सा पुलिस वाला नाम जानते हैं? परिजनों ने आरोपी एएसआई की शिकायत डीसीपी पंचकुला अनिल धवन को दी। डीसीपी ने मामले की जांच एसीपी मनीष सहगल को दी है। आपको बता दें, जमीन खरीद फरोख्त मामले में पंचकुला पुलिस ने नवंबर 2015 में शशिकांत के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। अप्रैल 2016 में आरोपी शशिकांत ने पंचकुला अदालत में सरेंडर कर दिया। पंचकुला पुलिस ने शशिकांत की 6 दिन की पुलिस रिमांड मांगी। कोर्ट ने शशिकांत को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। वहीं इस पूरे मामले में एसएचओ यशदीप ने शशिकांत के साथ मारपीट के आरोपों से इनकार किया है। पुलिस के मुताबिक शशिकांत को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। शशिकांत शर्मा खिलाफ एक 122 नंबर मुकदमा दर्ज है 420 धारा के तहत, जिसके अंदर इसका 5 दिन का रिमांड लिया गया है। जो इसने बताया कि जो पैसे रिकवर होंगे वो धर्मशाला में इसका दोस्त है उसको दिए हैं और जयपुर में एक दोस्त है जिसे रिकवर करा सकते हैं। उनके साथ कुछ मारपिटाई की आशंका है जिसको, जो टोटली फॉल्स है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उसके बिहाफ में, इनके कहने पे हमने इसका मेडिकल भी कराया, मेडिकल में क्लियर है, डॉक्टर ने जो रिपोर्ट दिया पढ़ सकते कि कोई ताजा चोट नहीं है और कोई भी चोट का निशान नहीं है। इससे पहले फरीदाबाद में खाकी का थर्ड डिग्री टॉर्चर भी सामने आया था। फरीदाबाद में सामने आए पुलिस की थर्ड डिग्री,
दो इंजीनियर दोस्तों की बेरहम पिटाई। पुलिस पर युवकों से थर्ड डिग्री का आरोप। एक के बाद एक कई तरह की घटनाएं पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान लगा रही है। सवाल ये है कि अपराधियों को पकड़ने में नाकाम पुलिस का धंधा क्या सिर्फ आम आदमी पर चलता है? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं और इसमें हमारे साथ महाराज सिंह जी पूर्व पुलिस अधिकारी स्टूडियो में मौजूद हैं और पीके त्रिपाठी जी पीड़ित पक्ष के वकील हैं, फोन लाइन पे हैं। त्रिपाठी जी, पहले आपसे जानना चाहूंगा, पुलिस कह रही है कि कोई ताजा चोट के जख्म के निशान नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट में है। हेलो, सुन रहे हैं आप हमें? सर एक बार पुलिस वाले कह रहे हैं कि किसी भी ताजा चोट या जख्म का निशान नहीं है, ये मेडिकल रिपोर्ट में है। सर मेरी ना एक बार मैडम से बात करवाइए, एक बार काटिए इसको अभी, तो एक बार मेरी बात करवाइए ना। किससे बात करना चाह रहे हैं आप? वो अभी जिन्होंने मेरे को फोन किया था। चलिए, शायद कुछ कंफ्यूजन है इनको, हमारी टीम दोबारा आपसे कॉल करके बातचीत कर लेगी एक बार फिर से। लेकिन सिंह साहब, आपके पास आऊंगा मैं, और क्या पुलिस के पास ये अधिकार है कि इस तरह से मारपीट करे किसी को जो थाने में बंद है व्यक्ति? कोई अधिकार नहीं है कि पुलिस जो उस पर रिमांड पे आया हुआ आदमी है उससे के साथ मारपीट करा है। और यहाँ ये भी एक बात बताना चाहूंगा मैं कि जब पुलिस रिमांड पे जाता है तो उसका मेडिकल कराना अब मैंडेटरी हो गया है जी। उसका और एक इंटरवल्स पे उसका मेडिकल करवाया जाता है, वो इसलिए कराया जाता है कि पुलिस कस्टडी में उसके साथ कोई मारपीट ना हुई हो। अच्छा। जैसा अभी एक पुलिस अफसर बता रहे थे कि ताजा चोट के निशान नहीं है। अब ताजा चोट की जो बात वो कर रहे हैं, इसमें एक चीज बड़े अंडरलाइन करने की है कि अगर वो पुराने हैं तो कितने पुराने हैं चोट के निशान, क्योंकि डॉक्टर्स आमतौर से जो लिखते हैं वो विद इन 25 आवर्स होता है या जो भी है, जो कुछ लिखते हैं वो इस तरह से लिखते हैं, विद इन ए वीक लिखते हैं। तो वो रिमांड पे कब से है, क्या उस जो उसका पीरियड है उसमें वो कवर होते हैं या नहीं होते हैं? और फिर उसमें कहीं ये लिखा जाए, अगर मान लो सिंपल चोट है तो कंप्लेंट ऑफ पेन भी लिखते हैं वो जो डॉक्टर्स लिखते हैं। तो देखने की बात यह है कि इसमें असल बात क्या थी, टेक्निकलिटीज इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। विक्रांत जी हमारे साथ हैं, पीड़ित के परिजन हैं। विक्रांत जी, पुलिस वाले अगर ये कह रहे हैं कि जो मेडिकल रिपोर्ट उनके पास है उसमें ताजा चोट का निशान नहीं है, तो आप ये कैसे दावा कर रहे हैं कि इनके साथ मारपीट आई हुई है? दावा करता हूँ कि सर मेडिकल किया जाए, ताजा रिपोर्ट ताजा है सर, उन्होंने मेरे सामने पिटाई करी है सर, मैंने खुद देखा है। ये पुलिस की वर्दी में गुंडागर्दी की जा रही है सर, सरेआम सर। तो पुलिस वाले ये जो मेडिकल दिखा रहे थे वो कब का मेडिकल रिपोर्ट? मेडिकल सर वो उन्होंने सर बाद में करवाया सर, प्रेशर देके सर, हमने मेडिकल रात मेरे पे सर एप्लीकेशन पड़ी है कि मैंने मेडिकल करवाना है, पर सर वो मेडिकल हमने कैंसिल नहीं करी। कल सर उन्होंने कहा आप मेडिकल कैंसिल कर दो साइन करके कि मेडिकल नहीं करने, वो सर मेरे पास अभी मोबाइल में भी मैंने लिखी हुई है, इन्होंने काफी प्रेशराइज किया रात को 12 बजे तक कि आप इसको कैंसिल करो, इनके एसएचओ ने भी किया सर, इसने भी किया जी। किसने किया आपको सर? ये वहाँ का सर एसएचओ और वहाँ पे सर जो आनंद था सर, हमने सर वहाँ पे जो अपना बनाया सर, हमने एप्लीकेशन लिखी सर हमारे एडवोकेट ने, और ऋषि जी है मेरे मामा जी, उन्होंने उसके ऊपर लिखा कि हमने मेडिकल कराना है आज, तो इन्होंने कहा आप मेडिकल करा दो, हमने एप्लीकेशन दे दो, हमने एक सर एप्लीकेशन दे दी सर मेडिकल के लिए, बट इन्होंने सर हमने रात को 12 बजे तक सर 12:30 बजे तक वेट किया सर के मेडिकल के लिए भेजो, इन्होंने सर मेडिकल लिए नहीं भेजा, ये कह रहे कि आप मेडिकल पे कैंसिल के साइन कर दो कि मेडिकल आपका कैंसिल हो गया सर, हमने साइन नहीं किया। ठीक है, आप हमारे साथ लाइन पे रहिए। महाराज सिंह जी, क्या ये पॉसिबल है कि अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ और मेरा कोई है अगर, तो मैं अलग से मेडिकल करवाऊँ? देखिए, ऐसा है कि जब उसको गिरफ्तार किया गया हो, अगर कोर्ट में पेश किया गया हो जी, तो उसे मेडिकल उसका कराया होगा, जैसे वो पेश किया उसके बाद जब लेके चले होंगे तो उसका मेडिकल कराया होगा। ठीक है, दोबारा के लिए एप्लीकेशन कोई दे या ना दे, उसे एक इंटरवल पर कराना ही होगा। नहीं, ये कहना चाह रहे हैं कि जहां पुलिस करवा रही है मेडिकल, वहां पुलिस की धाक है, पुलिस अपने प्रेशर से वो करा रही है, वो गलत रिपोर्ट दे रहे हैं, तो मैं कहीं और कराना चाहता हूं, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, उसके लिए ये है कि मान लो वहां पे जो है ना बोर्ड से कराया जा सकता है कि पहले एक डॉक्टर कर रहा है तो 2 या 3 का बोर्ड बनवा के उससे कराया जा सकता है, और अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट में उनको लगता है कि यहाँ पे नहीं कराना है तो जो पीड़ित पक्ष है वो दूसरी जगह भी करवा सकता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए ये कह रहे हैं कि इन पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि अपनी एप्लीकेशन आप वापस ले लीजिए। नहीं, ये क्यों ना है, जब वकील इनका है तो उसे वापस लेने की जरूरत नहीं है, उस पर प्रेशर करें
कि हमारा जो ठीक है, आप माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ, SHO यशदीप हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। यशदीप जी सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी, हाँ जी। ये क्या कर रही है आपकी पुलिस, क्यों पिटाई की? ये पिटाई वाला तो कोई मामला नहीं है, सारा झूठा है, सब क्लियर कर दिया था। ठीक है, चलिए आपकी बात हम मान सकते हैं, लेकिन एक बात बताइए कि जब पीड़ित पक्ष कह रहा है कि मेडिकल जहां आप करवा रहे हैं वहां से सेटिस्फाइड नहीं है, तो इनका कानूनी हक भी है कि ये कहीं और करवा सकते हैं। वो को एक्यूज है जो बेल पे, एंटीसिपेटरी बेल पे बाहर है, वो ही डिमांड कर रहे थे। ये तो साफ कह रहे हैं कि हमने मेडिकल कहीं और कराने के लिए एप्लीकेशन दे रखा है, और आप नहीं, और नहीं, आपकी सुन लीजिए सर, पूरी बात सुनिए, आप और आपके जो ASI हैं ये 12 बजे रात तक इन पे दबाव बना रहे हैं कि अपने एप्लीकेशन वापस लीजिए। क्यों दबाव बना रहे हैं आप? नहीं, इस बात का कोई दबाव नहीं बनाया एप्लीकेशन। तो मेडिकल क्यों नहीं करवा रहे हैं जहां ये मेडिकल करवा दिया, उसका कल भी कराया था, आज भी कराया सुबह। नहीं, वो तो आप जहां चाहते हैं वहां करवाया ना, अगर आपने किया सरकारी में ही होता है ना। ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल में कराया, हमने कोई गलत थोड़ी कराया, प्राइवेट से करवा दिया। तो क्या बोर्ड से करवा? हमारे एरिया की बोर्ड से क्यों नहीं करवा रहे हैं? उसी से कराया। एक मिनट यशपाल जी, बोर्ड से क्यों नहीं करवा दे रहे हैं अगर ये सेटिस्फाइड नहीं है? तो एक तो बोर्ड से कोई कराएगा तो एप्लीकेशन देगा ना, बोर्ड की तो एप्लीकेशन दी नहीं है, बोर्ड से कराओ। तो वो जो एप्लीकेशन दे रहे हैं उसमें क्या कह रहे हैं वो? उसमें तो रीमेडिकल की एप्लीकेशन है, वो कुछ भी नहीं है। और ठीक है, तो रीमेडिकल आप क्यों नहीं करवा रहे? मैं बात कर लूं, करवा दिया रीमेडिकल। हां, महाराज सिंह जी हैं और पूर्व अधिकारी हैं आपके ही विभाग से, आपसे बात करना चाह रहे हैं। महाराज साहब, जब पुलिस पे उंगली उठाई जा रही है तो आप उसे बोर्ड से, अपने लेवल पे बोर्ड से करा लीजिए, या कहीं जैसे आपके यहाँ पे जैसे उसमें कोई बड़ी हॉस्पिटल होगी सरकारी, उसमें करा लीजिए। नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में कराया जी, दो बार कराया, बड़ा हॉस्पिटल है सेक्टर 6 का, तो उसे बोर्ड से करा लीजिए, कम से कम पुलिस पे तो आक्षेप नहीं आएंगे। नहीं, पुलिस वो सर क्लियर कर दिया, कल उनके सामने बात हुई सारी, उनके मान लिया। देखिए, अब जैसे टीवी चैनल पे बात चल रही है, नहीं को एक्यूज्ड ने नहीं, कोई भी कहे, कोई भी कहे, पुलिस पे तो उसका आक्षेप आ रहा है ना, तो उसके लिए वो तो मैंने ऐसा जी जो एप्लीकेशन दी थी वो मैंने करा दिया रीमेडिकल उनका। यशदीप जी एक मिनट आप लाइन पे रहिएगा। विक्रांत जी सुन पा रहे हैं आप हमें? ये कह रहे हैं कि इन्होंने दोबारा आपने जो एप्लीकेशन दी थी वो भी इन्होंने करवा दिया है, अब आप क्या सेटिस्फाइड हैं? नहीं है सर, सर दोबारा एप्लीकेशन पे सर हम साथ नहीं गए सर, वो सर उन्होंने रूटीन के अकॉर्डिंग कल का मेडिकल अलग करा है, आज का मेडिकल अलग करा है, रूटीन के सर जब हमने कहा रात को हमारा मेडिकल कराया जाए, रात को सर इन्होंने मेडिकल नहीं कराया, खिला पिला के सर मतलब की खाना पीना खिला के उसको अंदर रख दिया इन्होंने, हमने कहा रात को सर हम 12 बजे इंतजार करके आए सर। एक बात और सर, कल सर कल DSP साहब आए सर 5 बजे शाम को, 5:15 बजे आए सर, वो सर 1.5 घंटा तक इंतजार करके गए पुलिस स्टेशन में कि आनंद जी आएंगे, वो उनको पता नहीं सर कहाँ पे लेके गए, वो वहाँ पे थे नहीं सर मौके पे, सेक्टर 30 के थाने में सर मुजरिम था नहीं, ना ही आनंद ASI था सर, मतलब ना ये आरोपी वहाँ पे थे और ना ASI थे। नहीं, वो भी नहीं थे सर, वो DSP साहब भी सर वेट करके गए सर यहाँ पे। यशदीप जी कहाँ थे उस दौरान ये लोग? यो पता नहीं सर, बताया नहीं गया सर हमें। आप रहिए, आप रहिए, विक्रांत जी लाइन पे रहिए। यशदीप जी, हाँ जी, कहाँ थे उस दौरान ये लोग? यशदीप जी सुन पा रहे हैं? SHO साहब, चलिए फोन डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। महाराज जी ये क्या खेल है, आप कुछ समझ पा रहे हैं? DSP आके वेट करके जा रहे हैं 1.5 घंटे तक, ऐसा है वो कहीं उसे हो सकता है कि उसने कुछ लीड दी हो और उसके वेरिफिकेशन के लिए गए हों, ये तो पॉसिबल है। अच्छा, ये हो सकता है? ये तो हो सकता है, क्योंकि जब रिमांड पे है तो जो वो लीड देगा, एक्यूज जो है, सो कॉल्ड एक्यूज जो है, वो जो लीड देगा उसकी वेरिफिकेशन के लिए वो कहीं भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये तो ठीक है। हाँ। लेकिन इसकी एंट्री की होगी उन्होंने कि वहां लेके जा रहे हैं, और जब वापिस आए होंगे तो भी एंट्री की होगी कि वो वहां से लेके वापिस आए हैं। बात जो मेडिकल की बात है, मेडिकल के लिए तो जब उंगलियां उठाई जा रही हैं तो जो पीड़ित पक्ष है वो कहे या ना कहे, अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने बोर्ड से मेडिकल जरूर कराना चाहिए। और जो ये बात कर रहे हैं कि भाई कहने से नहीं कराया, वो मैं पहले भी कह रहा हूँ कि एक खास इंटरवल पे जो मेडिकल है वो मैंडेटरी है, वो कराते रहते हैं। अब जैसे 24 घंटे में जैसे परसों कराया था, कल कराया, आज सुबह कराया है, तो ऐसे कल सुबह फिर कराएंगे, वो तो एक मैंडेटरी है। लेकिन अगर उस पर उंगली उठाई गई है तो इनको चाहिए कि वो मेडिकल का जो एक बोर्ड है उससे कराएं। ठीक है विक्रांत जी, हम जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि पैर में प्लास्टर सा चढ़ा हुआ, ये कब का है, ये पहले की चोट है? ये सर
गली का है सर, मेरे पे वीडियो पड़ी है सर, लंगड़ाते हुए चल रहे हैं सर वो, उनको बहुत जोर से चोट लगे पैरों में, मैंने हाथ लाए देखा, उन्होंने आह 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 की आवाज किया वो उठाई सर, तो मैंने बोला क्या हुआ, वो कह रहे कि बेटा आप मुझे हाथ लगाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है सर। उसी टाइम मौके ही पता सर मुझे धक्का देके, सर आपने वीडियो में देखा होगा मुझे धक्का देके पीछे किया गया सर उसी टाइम सर। हाँ जी सर ठीक है, तो ये मतलब प्लास्टर इस मारपीट के बाद हुआ सर? सर पीड़ित को सर सामने लेके आया गया सर, पीछे के रास्ते से ले जाया गया और पीछे के रास्ते से एक लाया गया सर। विक्रांत जी आप आराम से थोड़ा रिलैक्स हो जाए पहले, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं प्लास्टर पिटाई के बाद करवाया है पुलिस ने? नहीं प्लास्टर नहीं हुआ सर उस पे सर। वो पैर में हम जो देख पा रहे हैं वो क्या है फिर? वो सर उनको सर हम लगी उन्होंने सर पैंट डाली है प्लास्टर नहीं सर, उनको वैसे से चोट लगी है अंदरूनी, घोड़े से ऊपर चोट लगी है सर उनको, घोड़े से ऊपर और अपना जांघ के नीचे सर। तो ये पैर में, अच्छा पैर में आपने पट्टी बांध रखी है? पट्टी नहीं बंधी सर, उनको घूम चोटें लगी हुई है सर। मैं कल, हाँ सर एक बात और सर, कल रात को सर मैं उनको सर मूव देके आया और सर पेन किलर देके आया और सर पैरासिटामोल देके आया, उसकी सर मेरे पे फोटो भी है सर, रात को 11:30 बजे देके आया मैं कि ये बंदे को मैं दवाई देने के लिए जा रहा हूँ। आप बने रहिए, आप फोन मत काटिएगा, बने रहिएगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना ही पड़ेगा, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द वापस आएंगे तो कुछ पुलिस अधिकारियों को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। महाराज सिंह जी हैं हमारे साथ स्टूडियो में, छोटा सा ब्रेक। खेतों में खुशहाली लाए, भोपाराए घर घर पानी पहुँचाए, भोपाराए सालों साल चलता ही जाए, भोपाराए कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बे आवाज, सालों साल चलने वाला भोपाराए मोटर स्टार्टर। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार, MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल, हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कुछ चेहरे इतिहास बन जाते हैं और कुछ चेहरे इतिहास बनाते हैं। जोश, जज्बे और उनके संघर्ष की कहानी खुद खिलाड़ियों की जुबानी। खेल हरियाणा शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। Taking me through, I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना, मेरी वजह से आपके साफ क्यों खराब हो? Well, Mr. खुददार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ, लो इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन समझदार लोग दूसरों की गलतियों से ही सीख लेते हैं। बेरोजगारों ने आखिर क्या गलती की? इन गलतियों से आप बचें। सिर्फ डिग्री नहीं, सरकारी नौकरी पाएं। There is no secret to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे।
भरपूर सेहत, भरपूर स्वाद, श्री नंदन शुद्ध देसी घी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं एक एएसआई की दबंगई की। हालांकि मैं इसको दबंगई नहीं कहता, दबंगई का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करें। हमारे साथ महाराज सिंह जी हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। महाराज सिंह जी, मुझे एक बात बताइए, क्या ये पॉसिबल है कि मतलब, क्योंकि ये बड़ा पेचीदा सा नजर आ रहा है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमने बार बार मेडिकल करवा दिया, दो बार तीन बार, जो रूटीन मेडिकल भी है, रूटीन मेडिकल भी अगर मान लें, तो क्या ये पॉसिबल है कि पुलिस वालों की सेटिंग हो और इस वजह से मेडिकल रिपोर्ट गलत आ रही हो? पॉसिबल तो कुछ भी कहा जा सकता है आज के जमाने में, सेटिंग भी हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसी तरह से टॉर्चर किया जाए कि उसके निशान तो नहीं आए लेकिन उसकी मसल्स पुल हो जाएं, तो दर्द तो होगा। और डॉक्टर ने, मुझे लगता है कि लिखा होगा कंप्लेंट ऑफ पेन, लिखा होगा विजिबल चोट नहीं दिखाई होगी, जो मुझे लगता है। तो उसके लिए तो अगर पुलिस अपने आप को बचाना चाहती है तो एक्सपर्ट से उसके टिश्यूज के बारे में राय ले ली जाए कि भाई उसके जो टिश्यूज हैं वो तो कहीं ब्रेकअप नहीं हुए, उनका तो ब्रेक नहीं हुए। तो ये तो ये है कि बोर्ड के साथ, बोर्ड से कराने के बाद पुलिस को अपनी छवि बचाने के लिए ऐसे मामले में बोर्ड से मेडिकल जरूर कराना चाहिए। रूटीन चेकअप तो ठीक, इट इज ऑल राइट, लेकिन फिर भी अगर पुलिस नहीं कर रही तो फिर वो शक के घेरे में आती है। बिल्कुल शक के घेरे में। और जो आप कह रहे हो कि 420 में वैसे तो रिकवरी की कोई बात रह नहीं जाती है कि मान लो ये 15 में केस रजिस्टर हुआ, तो अब ये कहना कि ये 420 का केस था, इसमें से जैसे वो एसएचओ साहब कह रहे थे कि जिसने फला फला जगह पैसे दे रखे हैं अपने दोस्तों को जी। तो पैसे दे रखे हैं, ये कैसे आप कहोगे कि ये वही पैसे हैं जो आए थे? उसके लिए तो ये है कि जो कंप्लेनेंट है वो रिकवरी का सूट अलग से डाले, ठीक है, या फिर कोर्ट ऑर्डर करे कितने पैसे जमा कराएंगे। तो मतलब किसी भी सिचुएशन में पीटने का अधिकार, पीटने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है किसी भी तरह का टॉर्चर करने का। इंटरोगेट करते हो आप, तो इंटरोगेट के लिए तो आपको अकल का इस्तेमाल करना होगा, क्वेश्चनिंग ऐसी करनी होगी, उसे क्रॉस करना होगा, उसे कन्फ्रंट करना होगा, तो बात है। लेकिन जो ये आप उसकी बात कर रहे हैं टॉर्चर की, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, मतलब आपको दिमाग का इस्तेमाल करना है और शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना है। ना, शक्ति का बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। उसके बावजूद अगर ये हो रहा है तो बिल्कुल गलत है। तो ये बिल्कुल गलत है और वर्दी का गलत इस्तेमाल हमने देखा है। इससे इतर भी अगर हम एक जनरल कॉन्सेप्शन बात करें तो आम आदमी डरता क्यों है पुलिस वालों से? एक तो उनकी भाषा, दूसरी जिस तरह से हमने एक इमेज आम आदमी ने अपने दिमाग में बना रखी है कि पुलिस का मतलब लाठी डंडों से बात करें, ये ऐसा क्यों है? पुलिस वालों को लगता नहीं कि इस छवि से निकलना चाहिए? देखिए, जब पुलिस यहाँ पे बनाई गई थी उस टाइम पे अंग्रेजों का राज था जी, ये तो है कि भाई पुलिस को कहीं ना कहीं डंडा भी इस्तेमाल करना होता है। लेकिन जो यहाँ छवि बनी वो तो ये बनी कि हर जगह डंडे का इस्तेमाल किया, अकल का इस्तेमाल कम किया, उससे ये छवि बन गई। और अब आम आदमी में ये है कि पुलिस डंडा ही चलाती है, तो इससे तो पुलिस को निकलना पड़ेगा। जो क्योंकि कई अच्छे और डेवलप्ड कंट्रीज में ये होता है कि जो हम जानते हैं थोड़ा बहुत, तो उसके हिसाब से यही कि पुलिस बहुत इज्जत से, अगर आपने क्राइम भी किया है तो वो सलीके से आपसे बात करेगी और वो एज पर लॉ आपको जो है उसकी सजा मिलेगी। पुलिस आप, ऐसा नहीं है कि आपको पीटना शुरू हो जाए वहीं पे। नहीं, ये तो गलत है। पुलिस जो पीटने की बात है हाँ, वो तो गलत है। वो तो कहीं कहीं जो है फोर्स का इस्तेमाल करना होता है जो ऐसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस होते हैं, लेकिन जब इंटरोगेशन होती है उसमें तो फोर्स का कोई मतलब ही कोई नहीं है कि वो कोई शक्ति का प्रदर्शन करें, वहां पर शक्ति का इस्तेमाल करें। ये तो बिल्कुल गलत है। मतलब ये कानून हमारे देश में भी है लेकिन कानून पालन नहीं होता है, वो अलग बात है। ह्यूमन राइट कमीशन क्या कहता है? यही तो कहता है कि ह्यूमन के जो राइट्स हैं वो चाहे वो कल्प्रिट है चाहे वो कोई भी है, लेकिन बेसिक राइट्स तो उसके है ना, बेसिक ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है अगर ऐसा हुआ है तो। महाराज जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं कि वर्दी का मतलब क्या होता है।
हाथ में डंडे का मतलब क्या होता है? ये कि आप कानून के जरिए हमारी आपकी रक्षा कर सकें, ये नहीं कि आप इसका बेजा फायदा उठाएं और आम लोग, भले ही आरोपी ही क्यों ना हो, उसकी पिटाई करते। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।